प्रकाशपुर पर। बारामूला पुलिस की ओर से तमाम भाइयों को, माताओं को, बहनों को मैं लख लख बधाई पेश करता हूं। आज का ये प्रकाश पर्व हम सबको गुरुजी की तमाम सिखलाइयों की याद दिलाता है, जिन्होंने हमेशा अपने पूरे जीवन काल में इंसानियत का पाठ पढ़ाया, आपस में भाईचारे का पाठ पढ़ाया। एक अहम चीज उन्होंने हमें सिखाई कि हम सब जो है ये एक ही रब के बच्चे हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई ऊंच कोई नीच नहीं है। भले ही सब अलग अलग मजहब के बाशिंदे हो, लेकिन सबके अंदर नूर जो है वो एक ही। ये भाईचारे का पाठ गुरु नानक देव जी ने 500 साल पहले हमें पढ़ाया, और आज 500 साल बाद भी जो है इस बात की अहमियत कम नहीं होती है, बल्कि आज हमें इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे तमाम गुरु बादशाहों ने, हर एक ने यही चीज हमें सिखाई कि हमेशा अच्छे कर्म के लिए तैयार रहना चाहिए और बुराई का डटकर सामना करना चाहिए। आज हमारे आप सामने दुनिया भर में जो है तमाम बुराइयां फैल रही है, इंसान इंसान का दुश्मन होता जा रहा है, भाईचारा कम हो रहा है, ड्रग्स जैसी वबा हमारे समाज में फैल रही है, बुजुर्गों का कोई लिहाज नहीं करता। ये जो परेशानियां हमारे समाज के सामने खड़ी है, इनका सामना करने के लिए गुरु नानक देव जी ने जो बातें हमें सिखाई वही हमारा सहारा बनती है। अगर हर इंसान उनकी सिखाई गई बातों को पूरे अच्छे तरीके से उन पर अमल करेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि हमें कभी किसी जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कभी किसी तशद्दुद की, किसी हथियार की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहां पर हमें बुलाया, इज्जत दी और इस पवित्र दिन में आप सबके साथ शरीक होने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी। प्रेज एन एस एस पी बारामूला मोहन नाथ गुरु जी, जिन्होंने आज आज के इस पवित्र दिहाड़े संगत को मुबारकबाद दी है। तो इन्होंने नाल एस पी हैडक्वार्टर बारामूला मैडम देविया जी भी इतने बैठे हैं। मैं बेनती करांगा प्रधान साहब को, वह भी मैडम जी को सोभा सम्मान करेंगे। सरदार अवतार सिंह जी, डॉक्टर साहब बोले सोते हैं। ऐसा मैडम दिव्या जी, एसपी हेडक्वार्टर बारामूला, सात संघ